मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, तुमको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, तुम्हारा अपेंडिक्स कभी भी फट सकता है, आज ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। नेहा मधु का हाथ पकड़ कर बोलती है, डॉक्टर मेरे को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, मैं इसीलिए यहाँ पर एडमिट हुई थी, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जो अपेंडिक्स है ना वो फट गया है, जो जहर है इनकी पूरी बॉडी में फैल गया है, हमें इमीडिएटली इनका ऑपरेशन करना होगा। मेरे को अजीब सा एक साया दिखाई दिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है, तेरी मम्मी की वजह से मेरी मौत हुई है, तेरी मम्मी तुझे चाहती है ना, तेरी मम्मी ने मेरी जिंदगी ले ली है। वो जो पानी का ग्लास था ना खुद ही हवा में उठता है और धार देने नीचे गिरता है। किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है, मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम खुशी है। इसकी उम्र 20 साल की है। खुशी के जो मम्मी है ना वो डॉक्टर हैं, इनका नाम मधु है। मधु काफ़ी डॉक्टरों के साथ काम कर चुकी है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये ना एक खुद का अपना हॉस्पिटल खोलती है। मरीजों का मानना है कि मधु के हाथों में ना जादू है, जिस किसी का इलाज मधु करती है ना वो मरीज ठीक हो जाता है। सब मरीज इसके पास आते हैं, बहुत विश्वास करते हैं और सब जितने भी मरीज आते हैं ना सब तंदुरुस्त होकर जाते हैं। एक बार ना मधु के पास एक नेहा नाम की औरत आती है, वो अपनी रिपोर्ट ना मधु को दिखाती है। मधु उसकी रिपोर्ट देख कर ना एकदम भड़क जाती है, गुस्से में आ जाती है। वो नेहा को बोलती है कि क्या हाल बना रखा है, तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, ये क्या है, तुमको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, तुम्हारा अपेंडिक्स कभी भी फट सकता है, तुमको पहले आना चाहिए था, इतनी देर क्यों कर दी है। तो नेहा जो होती है ना बहुत ज़्यादा घबराई होती है। नेहा बोलती है कि मेरे को ना ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सब डॉक्टर जो है ना मुझे एक ही एडवाइस करते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, आपका ऑपरेशन होगा, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। वो ना मधु को बोलती है, नेहा बोलती है, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कुछ हो सकता है कि मेरा ऑपरेशन ना हो। तो जो डॉक्टर मधु होती है ना बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, वो बोलती है आप क्या कर रहे हो, आप मेरे पास जो आए हो विश्वास से आए हो ना। तो नेहा बोलती है हाँ मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैंने लोगों से सुना है कि आप जिस किसी भी पेशेंट को हाथ लगाते हो ना वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो मधु बोलती है मेरे पे विश्वास कर, तुझे इमीडिएटली यहाँ पर ना एडमिट होना होगा, आज ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो नेहा थोड़े टाइम के लिए सोचती है और बोलती है हाँ ठीक है। इतने में ना एक नर्स आती है और वो ना मधु को बोलती है मैडम ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई है, आप आ जाओ। तो जो मधु होती है ना वो नर्स को बोलती है कि इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज है ना सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, इनको अभी का अभी हम लोग एडमिट करते हैं, आज शाम को ही इनका ऑपरेशन होगा, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना सब अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, इनका ऑपरेशन जो है ना बहुत मेजर है, हमको इनका ऑपरेशन करना है। ये बोलकर ना जो मधु होती है वो ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। जो नेहा होती है वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अब दोपहर का वक्त होता है, ऑपरेशन जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जिस किसी का भी मधु ऑपरेशन कर रही थी। और मधु क्या करती है दोपहर के वक्त ना अपने घर पर खाना खाने के लिए जाती है। दोपहर का वक्त होता है, मधु अपने घर पर ना खाना खा रही होती है, इतने में ना एक नर्स का कॉल आता है। जब मधु फोन उठाती है तो वो नर्स बोलती है मैडम अभी का अभी इमीडिएटली आ जाओ आप, बहुत इमरजेंसी है। तो मधु पूछती है कि क्या हो गया है, तो जो नर्स होती है ना वो बताती है कि नेहा का ना मुझे लगता है अपेंडिक्स जो है ना फट गया है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको अभी का अभी आना पड़ेगा। जो मधु होती है ऑन द स्पॉट अपना खाना छोड़ देती है और सीधा अपना हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती है। इतने में खुशी पूछती है कि मम्मी क्या हो गया है, तो मधु बोलती है बहुत इमरजेंसी है, मेरे को एक सीरियस केस आया है, वहाँ मुझे ऑपरेशन के लिए जाना होगा। मधु फटाफट हॉस्पिटल में पहुँचती है, हॉस्पिटल में पहुँचती है ना वो देखती है कि नेहा की जो हालत है बहुत
बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेहा दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चीख रही होती है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। नेहा मधु का हाथ पकड़कर बोलती है, डॉक्टर मेरे को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, मैं इसीलिए यहाँ पर एडमिट हुई थी, मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जो मधु होती है ना, वो लोकल एनेस्थीसिया के डॉक्टर को बोलती है कि फटाफट इनको लोकल एनेस्थीसिया दो, हमको इमीडिएटली इनका ऑपरेशन करना होगा। जो अपेंडिक्स है ना वो फट गया है, जो जहर है इनकी पूरी बॉडी में फैल गया है, हमें इमीडिएटली इनका ऑपरेशन करना होगा। अभी ये सारी बातें चली रही होती है ना, नेहा जो है अपने प्राण त्याग देती है। ये देखकर मधु बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा लो फील होता है। उसकी लाइफ का ये पहला ऑपरेशन था जो अनसक्सेसफुल रहा होता है। मधु बहुत ज्यादा अपसेट होती है। मधु ना अपनी नर्स को बोलती है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना, सब अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ। जो नर्स होती है ना, मधु को काफी सालों से जानती है। नर्स मधु को बोलती है, मैडम आप टेंशन मत लो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो अपनी ओर से पूरी हिम्मत जुटाई ना उनको ठीक करने की। जो मधु होती है वो बोलती, प्लीज मेरे से कोई बात मत करो, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, बस अकेले रहना चाहती हूँ, मैं अपने घर पर जाती हूँ। अब जैसे ही मधु घर पर जाती है ना, तो खुशी देखती है कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अपसेट है, एकदम उनका चेहरा उतरा हुआ है, चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ है। तो खुशी अपनी मम्मी को पूछती है कि मम्मी क्या हो गया है, आप इतने अपसेट क्यों हो? तो जो मधु होते हैं ना, अपनी बेटी को बताती है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, अगर पेशेंट अपना सही टाइम पे इलाज कर ले तो ये सारी नौबत ना आए। तो खुशी पूछती है क्या हो गया है, आप मेरे को पूरा तो बताओ ना। तो मधु बताती है कि नेहा नाम की एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, उसका अपेंडिक्स फट गया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, मुझे इसकी मौत का बहुत ज्यादा अफसोस है। तो खुशी बोलती है, मम्मी ये उसकी गलती है, इसकी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो अपनी ओर से हिम्मत जुटाई थी ना। इतने में बोलते बोलते खुशी को ना खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है, खुशी जो है ना जोर जोर से खांसना स्टार्ट हो जाती है। तो मधु बोलती, बेटा कोई दवाई ले ले तो ठीक हो जाएगी। तो खुशी बोलती, हाँ ठीक है। अब ना खुशी अपने रूम में जाती है, थोड़े ही टाइम के बाद खुशी को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, जोर जोर से वो खांस रही होती है। तो मधु देखती है कि मेरी बेटी को इतना ज्यादा बुखार है, फटाफट ना मधु खुशी को दवाई देती है बुखार की। जो खुशी होती है बुखार के मारे कांप रही होती है, जोर जोर से खांस रही होती है। तो मधु उसको पूछती, तूने कोई खांसी की दवाई ली? तो खुशी बोलती, हाँ मैंने खांसी की दवाई ली है। खुशी को ना इतना ज्यादा बुखार होता है, फटाफट उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां की जाती हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोलती, मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर की सारी हड्डियां को तोड़ रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। पूरा 3-4 घंटे ना वो जोर जोर से चीखती है, तड़पती है। बुखार में उसका काफी इलाज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, लेकिन जो खुशी है ना उसके शरीर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब उसकी जो हालत है सहन से बाहर हो गई है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, इसको ना नींद की एक गोली देती है। 5 मिनट के लिए खुशी सोती है, उसके बाद ना वो जोर से चीख के उठती है और बोलती है, मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मेरे पास ना कोई साया खड़ा है, मेरे को अजीब सा एक साया दिखाई दिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो जो साया है ना एक औरत का साया है। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये तेरा बहम होगा, ऐसा करती हूँ, तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता है तुझे ना जो बुखार है सर पर चढ़ गया है, हम लोग तुझे ना ऐसा करते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अब खुशी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। खुशी को बदन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो ना खून की उल्टियाँ करनी स्टार्ट कर देती है, जो भी कुछ खाती पीती है सब निकाल देती है, खून की उल्टियाँ कंटिन्यू हो रही हैं। फटाफट उसकी रिपोर्ट्स निकाली जाती है, सब रिपोर्ट जो होती है ना नॉर्मल होती है, किसी रिपोर्ट में उस खुशी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ना मधु बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि खुशी को हुआ है तो क्या हुआ है। अब खुशी की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, वो अपने सर पर जोर जोर से मारना स्टार्ट कर देती है, अपने सर पर अपने ही हाथों से मुक्के मार रही है और बोलती, मम्मी मेरे को नहीं मरना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान चली जाएगी, मम्मी कुछ करो। तो मधु जो होती है ना, इसको फिर से थोड़ा सा नींद का इंजेक्शन देती है। नींद का इंजेक्शन देने के बाद जो खुशी है ना थोड़े टाइम के लिए सो जाती है। अब मधु को थोड़ी राहत मिलती है कि ठीक है, खुशी मुझे लगता है ठीक हो जाएगी, इसका बुखार भी उतर जाएगा, इसको थोड़ा मेंटली पीस भी मिलेगा। इतने में ना जो खुशी होती है 5 मिनट के बाद फिर से जोर से चीखती है और बोलती है, नहीं 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 नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। जो मधु होती है ना भागकर खुशी के पास आती है और पूछती है कि क्या हो गया है।
तो खुशी बताती है कि नेहा उसको मिलने के लिए आई थी। जो नेहा है ना वो बोलती है कि तेरी मम्मी की वजह से मेरी मौत हुई है, तेरी मम्मी तुझे चाहती है ना, तेरी मम्मी ने मेरी जिंदगी ले ली है, तेरी मम्मी की खुशियां तुझ में बसती हैं, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। खुशी को वो बोलती है कि मैं ना, वो जो नेहा होती है बोलती है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो खुशी जोर जोर से रोने लग जाती है, मम्मी मुझे नहीं मरना है, मुझे बचाओ मम्मी मुझे नहीं मरना है। तो मधु बोलती है बेटा ये तेरे मन का बहम होगा, बीमारी में ऐसा फील होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये सब एक बहम है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, बस जो बीमारी है ना वो तेरे ऊपर ज्यादा हावी हो गई है, ये जो विचार है ना तेरे ऊपर ज्यादा तेरे दिमाग में घर कर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो नर्स होती है ना वो बोलती है कि मैडम इसने नेहा का नाम लिया है, इसको कैसे पता नेहा के बारे में। तो मधु होती है ना वो नर्स को बोलती है नेहा के बारे में ना मेरी डिस्कशन खुशी के साथ हुई थी घर पर, इसीलिए ये सारी बातें हैं ना इसके दिमाग में घर कर गई हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। तो नर्स बोलती है मैडम मुझे लगता है आप मेरी बात को मानो, मैं ना एक पंडित को जानती हूँ, वो जो पंडित है वो भूत प्रेत निकालता है, हम लोग ऐसा करते हैं खुशी मैडम को ना एक बार चेक करवा लेते हैं, जो पंडित है उसको दिखा देते हैं। तो मधु होती है बोलती नहीं मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं होते, कुछ इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ये ठीक हो जाएगी। इतने में ना थोड़े टाइम के लिए खुशी फिर से सो जाती है। सोने के बाद खुशी जोर जोर से ना चीख के उठती है, अपने बालों को नोचना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है मम्मी नेहा मेरे सपने में फिर से आई थी, वो मुझे बोलती है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगी, आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। इतने में मधु बोलती है बेटा मैंने तुझे बोला ना ये जो विचार है तेरे दिमाग पर घर कर गए हैं। खुशी के पास ना एक पानी का ग्लास पड़ा था, वो जो पानी का ना खुद ही हवा में उड़ता है और धाड़ देने नीचे गिरता है। ये देखकर मधु एकदम घबरा जाती है। मधु को फील होता है कि हाँ सच में यहाँ पर नेहा की प्रेजेंस है जो खुशी को बार बार दिखाई देती है। अब ना जो मधु होती है नर्स को बोलती है कि ऐसा करते हैं हम लोग खुशी को घर पर लेकर जाते हैं, वहीं पर इसका इलाज करेंगे, तू किसी पंडित को जानती है ना वो पंडित को बुला, फटाफट घर पर बुला ले। अब जो खुशी होती है उसको घर पर लेकर जाया जाता है, पंडित घर पर आता है, पंडित जैसे ही घर पर आता है ना तो खुशी ना पंडित को घूर के देखती है, कुछ नहीं बोलती है, लेकिन खुशी एक भी बार अपनी पलक नीचे नहीं झपकती है, बस घूर घूर के पंडित को देख रही होती है। पंडित जो होता है काफी इसके ऊपर मंत्र वगैरह पढ़ता है, काफी टाइम वो मंत्र वगैरह पढ़ता जाता है। फाइनली जो पंडित होता है ना वो खुशी को एक तावीज बांध कर जाता है और वो मधु को बोलता है कि ये थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएगी, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पर रेगुलर आना होगा। तो मधु बोलती है ठीक है। जो पंडित होता है रेगुलर आता है, लेकिन जो खुशी है डे बाई डे ना वो सूखती जा रही है, कुछ भी उसके ऊपर को ना तो दवाई का असर हो रहा है, ना ही किसी पंडित के जो भी श्लोक वगैरह पढ़ रहा है उसका असर हो रहा है। वो डे बाई डे इतनी ज़्यादा सूखकर काटा होगी ना कि उसके शरीर पर सिर्फ मांस नाम का एक चीज़ था, हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही थी, पूरा उसका चेहरे से लेकर पांव तक हड्डियों का वो एक ढांचा बन गई थी, कुछ नहीं खा पी रही थी, उल्टियों पे उल्टियां खून की कर रही थी। अब ना खुशी जो थी पूरी एकदम सूख के काटा हो गई और उसकी जो स्किन थी ना पूरी सफ़ेद पड़ गई। 3 दिन के बाद ना खुशी को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। खुशी की मौत के बाद ना डॉक्टर मधु बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई। उसको विश्वास तो हो गया था कि अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उसको इस बात का पश्चाताप था कि मैंने अपनी बेटी पर क्यों नहीं विश्वास किया था, मेरी जो बेटी थी वो सच बोल रही थी, मैंने अपनी बेटी की बात पर क्यों नहीं भरोसा किया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अगर कोई बोलता है ना तो उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए, भले वो झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हकीकत क्या है, फिर हकीकत के जानने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ, तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम।